बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों चार फिल्में रिलीज हुई है जिनमें बड़े मियां छोटे मियां मैदान आवेशम और वर्षा नगलक्कू शेषम का नाम शामिल है। चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती नजर आ रही है, लेकिन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी कमाई के मामले में इन तीन फिल्मों से कहीं ज्यादा है। इसके चलते फैंस भी एक्साइटेड है कि पहले हफ्ते में बड़े मियां छोटे मियां का कलेक्शन कितना होने वाला है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार पहले दिन बड़े मियां छोटे मियां ने 15.65 करोड़ की ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन कलेक्शन 7.6 पर आ गया, लेकिन तीसरे दिन कमाई में बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 8.50 करोड़ अपने नाम किए। इसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 31.75 करोड़ बताया गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड दो दिनों में 55 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं तीसरे दिन ये आंकड़ा 76.01 करोड़ तक जा पहुंचा है। हालांकि फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जिससे अभी भी फिल्म काफ़ी दूर है, लेकिन पहले ही वीकेंड फिल्म के 100 करोड़ कमाने की उम्मीद लगाई जा सकती है। फिल्म की बात करें तो अली आवाज जफर के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर, अलाया एफ, पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की मैदान ने वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल कर ली है, जबकि साउथ की आवेशम और वर्षा नगलक्कू बजट से ज्यादा कमाई अपने नाम की है और ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ रही है। बात करें मैदान की, जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, ये धीरे धीरे ही सही अपने बजट तक पहुंचती हुई नजर आ रही। वहीं वर्षा नगलक्कू शेषम की बात करें तो ये 8 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है, जो कि पहले ही हफ्ते में लगभग अपने बजट से दोगुने की कमाई कर चुकी है।